लेकिन एक 7 फुट ऊंचा 3 फुट चौड़ा हैदराबाद से एक वायरस आता है और यहाँ पर सुअरों को इन्फेक्टेड करता है। सुरेश चवाड़के ने योगी के सामने उगला जहर, ओवैसी को अपशब्द कहने पर योगी जी का जवाब सुनिए। अपने विवादित बयानों के लिए आए दिन बुरी तरह बेइज्जत होने वाले सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चवाड़के एक बार फिर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। सुरेश चवाड़के ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने समुदाय विशेष के लोगों और देश के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में अपशब्द कहे, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। इंटरव्यू के दौरान हो रहे इस सवाल को लोग असदुद्दीन ओवैसी से भी जोड़कर देख रहे हैं। सुरेश चवाड़के बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ से पूछते हैं कि आपने कोरोना वायरस को बहुत गंभीरता से लिया, लेकिन एक 7 फीट ऊंचा 3 फीट चौड़ा हैदराबाद से एक वायरस आता है और यहाँ पर सुअरों को इन्फेक्टेड करता है, उससे कैसे आपके राज्य को बचाएंगे? लेकिन एक 7 फुट ऊंचा 3 फीट चौड़ा हैदराबाद से एक वायरस आता है और यहाँ पर सुअरों को इन्फेक्टेड करता है, उससे कैसे आपके राज्य को बचाएंगे? जवाब में मुख्यमंत्री योगी कहते हैं, जितने भी वायरस आएंगे उनको नियंत्रित करने का अब हमारे पास बहुत अच्छा प्रबंधन है। जितने प्रकार के वायरस आएंगे उनको नियंत्रित करने का अब हमारे पास बहुत अच्छा प्रबंधन है। सोशल मीडिया पर सूबे के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में राज्य के समुदाय विशेष के लोगों और एक सांसद के बारे में पत्रकार द्वारा अपशब्द कहे जाने को लोग शर्मनाक बता रहे हैं। पत्रकार स्वाति मिश्रा ने अपने ट्वीट में लिखा, पत्रकार बना एक व्यक्ति एक सांसद को वायरस बताते हुए एक मुख्यमंत्री से ऐसा सवाल करता है जिसमें एक समुदाय को सुअर कहकर संबोधित किया जाता है और वो मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं। भारत के सारे नियम कानूनों को धत्ता बताते हुए शायद ये टीवी पर प्रसारित भी हुआ हो। एक और सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, ऐसी बेशर्म मूर्खता को देखना शर्म की बात है और इससे ज्यादा शर्म की बात ये है कि ये हमारे समाज का हिस्सा बनता जा रहा है। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचे।